एमके एंटीवर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये प्रोसेस वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें समझना होगा, नहीं तो बार बार एरर आ जाता है और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये डिटेल्स। यहाँ पर मैंने incometax.gov.in को ओपन कर दिया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में टॉप में आप देख सकते हैं रजिस्टर का ऑप्शन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आ चुका है। ये जो स्टेप्स हैं, यहाँ पर हमें चार स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए लेट्स गेट स्टार्टेड, रजिस्टर एज टैक्स पेयर और अदर, दो ऑप्शन है यहाँ पर। तो अदर में क्या है, अदर्स में क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अदर्स में जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं तो कैटेगरी आ जाता है कि एक्सटर्नल एजेंसी, टिन 2.0, स्टेक होल्डर, चार्टेड अकाउंटेंट, इस तरह का ऑप्शन है। तो हम टैक्स पेयर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसको देखेंगे। तो हम यहाँ पर रजिस्टर एज टैक्स पेयर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर पैन कार्ड नंबर एंट्री करना होगा और उसको वैलिडेट करना होगा, तो मैं इसको जल्दी से एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पैन वैलिडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब नीचे यहाँ पर फिर आ रहा है कि प्लीज़ कन्फर्म इफ़ यू वॉन्ट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर, तो इसको येस कर देना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल हमें फिलअप करने होंगे, जो नाम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब यहाँ पर फिलअप करने होंगे। तो यहाँ पर जो नाम दिखा रहा है, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, इसको पैन कार्ड में आपका जिस तरह से नाम दिया हुआ है उसी तरह से आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, नहीं तो इसमें एरर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप जो अभी स्क्रीन पर पैन कार्ड देख रहे हैं, इसमें देखिए फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, इसमें मिडिल नेम नहीं है। तो आपके पैन कार्ड में जिस तरह से नाम दिया हुआ है आपको उसी तरह से उसको एंटर करना होगा। तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं, लास्ट नेम एंटर कर देते हैं। अब ये जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ भी पैन कार्ड में जो दिया हुआ है वो यहाँ पर एंटर करना है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जेंडर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रेसिडेंशियल स्टेटस में हम रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ फिलअप हो चुका है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेसिडेंशियल स्टेटस, इसको आप कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिलअप करने हैं, तो इसको मैं जल्दी से फिलअप कर देता हूँ। सबसे पहले तो मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, तो इस तरह से आप इसको फिलअप करें कि जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू आ रहा है, इसको सेल्फ कर देना है। ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करना है और ईमेल आईडी पर भी OTP जाएगा, तो जो ईमेल आईडी आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो इसको मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी ईमेल आईडी बिलोंग्स टू, इसको भी सेल्फ कर देना है। ये लैंडलाइन नंबर दिया हुआ है, ये ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पोस्टल एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना होगा, इसको आप प्रॉपरली फिलअप करें, जैसे कि आपका जो एड्रेस है उसको आपको सही से फिलअप करना होगा। तो मैं इसको अभी फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने पिन कोड एंटर किया तो ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिकली आ चुका है। बाकी के जो दो डिटेल्स हैं, पोस्ट ऑफिस और एरिया, इसमें भी
इसमें भी ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसमें से मुझे ऑप्शंस को ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस पूरा फिलअप कर दिया है, कुछ डिटेल्स मैंने ब्लर करके रखे हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। आप अपना एड्रेस प्रॉपरली फिल कर दीजिएगा यहाँ पर। अब इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ओटीपी एंटर करना है, मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी। तो पिछले स्क्रीन में हमने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर किया, उसमें अभी एक एक ओटीपी जाएगा और दोनों ओटीपी यहाँ पर एंटर करना होगा। तो पहले इसको थोड़ा अनमास्क कर देते हैं, जिससे कि जो ओटीपी हम एंटर करेंगे वो हमें पता चलेगा। हाँ, यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ। मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी दोनों को मैंने एंटर कर दिया है, अब इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल दिखा रहा है, इसको आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो इसको एक बार देख लेना है और कन्फर्म कर देना है। तो यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है, अब पासवर्ड सेट करना है। एक पासवर्ड हम सेट करेंगे और इसको देखिए पासवर्ड का क्राइटेरिया यहाँ पर दिखा रहा है कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, अपर केस लोअर केस दोनों लेटर होने चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको सेट कर देते हैं, पासवर्ड को सेट कर देते हैं। यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड को एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर पर्सनलाइज्ड मैसेज, एक पर्सनलाइज्ड मैसेज आपको एंटर करना होगा, जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं कि आई लव माय फैमिली, इस तरह से आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही एक पर्सनलाइज्ड मैसेज एंटर कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से अपना पर्सनलाइज्ड मैसेज सेट कर सकते हैं और इसको अभी रजिस्टर कर देते हैं। तो रजिस्टर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और एक ट्रांजैक्शन आईडी भी आ रहा है और योर ई फाइलिंग पोर्टल यूज़र आईडी इज, ये जो यूज़र आईडी यहाँ पर दिया हुआ है ये पैन कार्ड नंबर ही होता है और पासवर्ड तो हमने सेट कर ही लिया है। तो अब हम पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड की मदद से इस पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमने मैसेज सेट किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, इसको कंफर्म कर देना है और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए वो जरूरी होता है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।